सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी S22 FE के बारे में। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई सैमसंग का S22 FE यानी कि फैन एडिशन में क्या सैमसंग S22 सीरीज़ का कोई स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। वही मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग चैनल में पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। आपके जो भी सवाल है आप मुझसे वहाँ भी पूछिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। बात करते हैं सैमसंग के S22 FE के बारे में। तो सैमसंग का जो FE सीरीज़ है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो सैमसंग के इस सीरीज़ को पसंद तो करते हैं लेकिन उनका बजट नहीं रहता, इसलिए वो FE यानी कि फैन एडिशन इस सीरीज़ के अंदर अपने स्मार्टफोन को लॉन्च करते हैं ताकि उनको एक अच्छा फ्लेक्सी वाला स्मार्टफोन फील हो कम प्राइस सेगमेंट में। लेकिन उसका भी प्राइस कम नहीं रहता है, आप लोगों को लगभग 50-55 हज़ार रुपीस पे करना होता है FE वेरिएंट्स के लिए, लेकिन आप लोगों को ऑफर्स में काफ़ी सस्ता मिल जाता है। आप लोगों को याद होगा जब सैमसंग का S21 FE को लॉन्च किया गया था तब इसकी स्टार्टिंग प्राइस थी 55 हज़ार रुपीस, लेकिन फ्लिपकार्ट के सेल में वो 35 हज़ार रुपीस में मिल रहा था। तो मतलब कितना प्राइस डिफरेंट आप लोग देख सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों को सैमसंग का स्मार्टफोन लेना रहता है फ्लेक्सिबल लेवल का तो जब लॉन्च होता है तब मत लीजिए, उसके कुछ मंथ के बाद लीजिए। आप लोगों को आप लोग देखिएगा कि प्राइसिंग में आप लोगों को बहुत ऊपर नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सैमसंग ये चीज़ें सही भी करता है और गलत भी करता है। अगर आपको कम प्राइस रखना है तो भाई स्टार्टिंग से ही रखो ताकि ज़्यादा सेल जनरेट कर पाए। अभी कोई बंदा अगर 55 हज़ार रुपये इसमें लेता है और बाद में वही स्मार्टफोन 35 हज़ार में मिल रहा है, थोड़ा तो दुख सभी को होगा ही भाई। 20 हज़ार रुपीस का डिफरेंट कोई छोटा मोटा बात तो है नहीं। बात करते हैं S22 FE के लिए। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या S22 FE आएगा। तो देखिए, कुछ रिपोर्ट का कहना है कि S22 FE आएगा और बहुत सारे रिपोर्ट का कहना है कि S22 FE सैमसंग यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। लेकिन जब ये सब होता है कि कैंसिल हो गया नहीं आएगा, तब उसी के बीच से एक नया लीक आता है कि हाँ S22 FE में आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 7 Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के जो न्यूज़ है ये आते रहते हैं। मैं आप लोगों को बोलूँगा S22 FE के लिए अगर आपको वेट करना है तो जनवरी के एंड तक ही वेट कीजिए, उसके बाद S22 FE अगर आता है तो ठीक है और नहीं आता है तो आप लोग उसे भूल जाइएगा। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न यही है कि लगभग फरवरी के फर्स्ट वीक में सैमसंग अपना S23 सीरीज को अनाउंस करेगा और उससे पहले अगर सैमसंग अपना S22 सीरीज के अंदर कोई और स्मार्टफोन लॉन्च करना रहेगा तो मेरे ख्याल से S22 FE को जनवरी में लॉन्च कर देना चाहिए। लेकिन उसके आसार यहाँ पर लग नहीं रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लीक्स S22 FE के बारे में निकल के सामने नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर सैमसंग लाता है तो मे बी S22 FE को वो लोग स्किप करेंगे, आप लोगों को डायरेक्टली S23 FE देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो ये कुछ आ रही है अंदर से न्यूज़। और मेरे ख्याल से S22 FE अगर आपको लेने का इच्छा है तो आप लोग और एक मंथ वेट कर लीजिए, आप लोगों को पूरा आइडिया यहाँ पर लग जाएगा। हालांकि फीचर्स तो आपको कमाल के मिलेंगे ही, लेकिन लॉन्च होता है कि नहीं वही यहाँ पर देखने वाली बात होती है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।